तो हेलो गाइस, कैसे हो? जीमो की एक और नई वीडियो पे आप सभी का फिर स्वागत है। तो गाइस, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लिया गेम ग्रुप का लैग फिक्स का, आपका अभी लैग फिक्स नहीं हुआ। तो भाई बस लास्ट तक इस वीडियो को देख लो, आपका 100% लैग फिक्स हो जाएगा। वो तो आपका लैग फिक्स दिखा देते, उनके पास i5 है, मेरे पास भी i5 है, मेरे पास i5 4th generation है और 1650 GPU है 4GB वाला। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास अच्छा GPU है। आपको मैं आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा गाइस कि मेरा GPU 0% यूज होता है, क्योंकि मेरा होता है बॉटल लैग। गाइस सीधी सीधी बात है, मेरा GPU बहुत हाई कमज़ोर है, मेरा GPU है बहुत हाई एंड, ठीक है, हाई एंड मतलब मिड एंड, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए राइजन 5 चाहिए होगा 5600X वगैरह, एक बैलेंस्ड सिस्टम के लिए। लेकिन मैं जब भी गेमिंग करता हूँ तो कुछ भी करता हूँ तो मेरा CPU पे लोड आता है, वो मैं आपको 100% दिखा दूंगा। तो गेम लूप लैग फिक्स के लिए आपको सबसे पहले चले जाना आपकी सर्च बार पे, इधर पे आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। लेने के बाद आपको चले जाना पावर वाले ऑप्शन पे गाइस, इधर पे दोस्तों आपको हाई परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करना है पहली चीज, ठीक है। और आपने अगर पीसी बूस्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको इधर आई बटन डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा गाइस, वो पीसी बूस्ट वाला वीडियो देख लो, बहुत काम का है आपका, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चले जाना 3 लाइन पे, चले जाना चेकिंग फॉर अपडेट। तो एक बार अपडेट चेक कर लो, अपडेट आया रहेगा तो कर लेना। उसके बाद चले जाना फिर से 3 लाइन पे, चले जाना सेटिंग्स के अंदर, इधर पे इन तीनों को अनचेक रखो और कंट्री अपनी हिसाब से सेट कर लो। इंजन पे चले जाओ गाइज, आपके पास अगर लो एंड CPU है तो आप ऑटो पे रखो। अगर आपके पास एक अच्छा CPU या GPU का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मान लो i5 4th generation है, उसके साथ GTX 960 है, या फिर Ryzen 5 कुछ है 3600 5600 है, और उसके साथ एक RX 450 या फिर 1650 है या फिर 1660 सुपर है, कोई भी है, तो आप ओपन जेल जा सकते हो गाइज आग बंद करके। अगर आपके पास सिर्फ GPU नहीं है और CPU एक हाई एंड CPU है तो आप DirectX दोस्तों आपके लिए बना है, और मेरे पास एक लो एंड CPU है तो लो एंड CPU वालों के लिए ऑटो। इधर पे दोस्तों इन पाँचों को चेक रखना अगर आप 90fps ट्राई करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास एक 60Hz का डिस्प्ले और आप 90fps ट्राई करोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा गाइज, बाकी आप जाओ तो ट्राई कर सकते हो। उस केस में आपको वर्टिकल सिंक को अनचेक रखना पड़ेगा। ये करता है गाइज, आपका जितने भी रिफ्रेश है उस हिसाब से गेम को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। अगर आपका 60Hz का डिस्प्ले है तो 60fps आपको कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए, उस हिसाब से गेम को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो इधर पे पाँचों को चेक रखना है गाइज, एंटीलिशिंग दोस्तों ऑफ रखना है, मेमोरी दोस्तों ऑटोमेटिक, या फिर आपके पास एक हाई एंड पीसी 8GB के ऊपर रैम है तो आप 8GB भी सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली, लेकिन मैं इधर पे ऑटोमेटिक ही रखूँगा ताकि गेम लूप को पता लगे कि कितना चाहिए। प्रोसेसर के भी दोस्तों सेम दोस्तों, आपको कितना पता चलेगा कहाँ से कितना कोर है आपके पास, ये देखो गाइस परफॉर्मेंस पे चला जाना है। इधर पे दोस्तों मेरा 4 कोर 4 थ्रेड है, ठीक है गाइस, i5 4th generation है, ठीक है, देख सकते हो। तो इधर पे मेरा 4 कोर है, लेकिन मैं आपको इधर पे ऑटोमेटिक रिकमेंड करूँगा, आप भी ऑटोमेटिक ही रखना गाइस। रेजोल्यूशन दोस्तों सबसे लोएस्ट, अगर आपके पास एक हाई एंड या फिर मीडियम बैलेंस सिस्टम है, GPU CPU अच्छा है, तो आप दोस्तों इधर पे 720 या फिर 1080 कर सकते हो, अगर आप इन गेम रेजोल्यूशन 1080 या फिर HDR पे खेलना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन जब बात आती है लो एंड PC की बिना लैग की, तो गाइस मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, इस पर ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी लो होगी लेकिन आपको FPS बहुत ज़्यादा मिलेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद DPI दोस्तों अपने हिसाब से रख देना, आपकी मर्जी कोई भी रख चलो, कोई बात मतलब नहीं इससे। ऑडियो दोस्तों आपको डायरेक्ट साउंड कर देना है, ठीक है। मॉडल दोस्तों इधर पे क्लिक कर देना है तो ASUS ROG 2 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। गेम दोस्तों 720p डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, जैसे मेरे एक लो एंड PC है तो मैं 1080p खेलूंगा, तो CPU और भी ज़्यादा लैग करने आएगा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में डिस्कॉर्ड चलता है, ओबीएस भी चलता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं 720 रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास एक लो एंड PC, अगर आपके पास एक बैलेंस सिस्टम या फिर मीडियम सिस्टम है तो आप इधर 1080p से किससे जा सकते हो, यानी कि आपका 6 कोर मिनिमम चाहिए गाइस 1080p खेलने के लिए। ग्राफिक्स क्वालिटी स्मूथ रखना, अगर आपके पास 1080p सिस्टम है और आप 1080p खेलना चाहते हो इधर, तो आपको उससे HD करना है, ठीक है। तो इन गेम आपको ग्राफिक्स थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। FPS 260 रखना है, अगर आपके पास 60Hz का डिस्प्ले, जैसे मेरे पास 60Hz का डिस्प्ले तो आपको 60 रखना है। अगर आपके पास 90 या फिर 100Hz का डिस्प्ले होगा तो आपको 90 रखना है गाइस, ठीक है। अगर आप 90fps ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करो। इधर पे दोस्तों 90fps रखो और दोस्तों इधर पे जो वर्टिकल सिंक है इसको अनचेक रखना, ठीक है गाइस, अगर आप 90fps चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमारा जिस डिस्प्ले जैसा है वैसे हमको गेम खेलना है, मेरे को FPS चाहिए बस, ठीक है, तो आप इधर पे वर्टिकल सिंक को चेक करो और ग्राफिक्स जो इधर पे 60 कर दो गाइस, ठीक है। उसको सेव कर दो, एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर दो। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों इधर से भी इसको कर देना है क्विट, ठीक है। तो हम एमुलेटर को ओपन करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस जब भी आपका गेम लूप का ऐसा पेज ओपन होगा तो आपको इधर बैक चले जाना है थोड़ा, उसके बाद इसको थोड़ा नीचे खींच के चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। जाने के बाद सबसे नीचे चले जाना गाइस, आपको जबकि नीचे आपको दिखेगा अबाउट टैबलेट, इसके ऊपर टैप करना है आपको, चले जाना है बिल्ड नंबर के ऊपर। बिल्ड नंबर पर जाकर दोस्तों इस पर आप 5-6 बार टैप करना है ऐसे, तो आपका दिखाएगा यू आर नाउ डेवलपर, मेरा ऑलरेडी डेवलपर है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। उस पर चले जाना है 3 लाइन पे, चले जाना है डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाएगा इधर, इसके अंदर जाना है। जाने के अंदर दोस्तों आपको इधर पे थोड़ा सेटिंग्स चेंज करना होगा,
जो कि मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक गाइज वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना चैनल को। एनिमेशन दोस्तों को ऑफ रखना है, विंडोज ट्रांसलेशन सेल इसको ऑफ रखना है, एनिमेशन डिवीजन सेल्स को भी ऑफ रखना है। उसके बाद स्मॉलेट विडेस दोस्तों इधर पे दोस्तों 320 कर देना है, ठीक है गाइज। उसके बाद ओके कर दो। उसके नीचे आपको दिखेगा 4 GB रेंडर, मतलब जो ग्राफिक्स जो टेक्सचर वगैरह है जो घास फूस वगैरह गेम का वो GPU के थ्रू रेंडर होगा, तो इसको ऑन कर देना है। आपके पास GPU हो या ना हो इसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर पे और एक दिखेगा फोर्स 4X M2 इसको दोस्तों ऑन कर देना है, क्योंकि ओपन जेल मतलब GPU होता है और डिसेबल HW ओवरले, ठीक है, ऑलवेज GPU स्केलिंग करेगा गाइस, तो इसको दोस्तों ऑन कर देना है। उसके बाद चले जाना है बैक दोस्तों, उसको चले जाना है गेम के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। आशा करता हूँ आपका लैग फिक्स हो जाएगा गाइज, और भी वीडियो गाइज आप चैनल पे जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। CPU का हाई टेम्परेचर फिक्स, 100% CPU कैसे को आप फिक्स कर सकते हो, गेम लूप को GPU के ऊपर कैसे रन कर सकते हो, वो भी बहुत सारा वीडियो गाइज आपको चैनल पे मेरा मिल जाएगा। तो गाइज एक बार जाके विजिट करके आओ, अच्छा लगे रहेगा गाइज चैनल को अगर तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अभी गेम के अंदर, और इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज आपके पास अच्छा CPU और अच्छा GPU का कॉम्बिनेशन है तो गाइज आप मैंने जो सेटिंग्स दिखाया इसकी मदद से आप दोस्तों बहुत ही परफेक्टली आप 60+ FPS अचीव कर सकते हो गाइज इन गेम, वो भी गाइज एनिमी के सामने, ठीक है। तो गाइज थोड़ा प्यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइज, देखो आपकी सपोर्ट आपकी प्यार के बिना गाइज हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। हम कितने भी हाई एंड PC लेके बैठ जाए गाइज अगर आप लोग नहीं देखोगे गाइज चैनल को तो चैनल बनाने का कोई मोटिव भी नहीं रहता गाइज, ठीक है। तो इसको थोड़ा काट देते हैं हम, ठीक है। और अभी आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर, चले जाना है ग्राफिक्स के सेटिंग्स के अंदर जाके चले जाना है ग्राफिक्स के अंदर गाइस, ठीक है दोस्तों। लॉबी पे दोस्तों आपको रखना है स्मूथ रखना है, एक्सट्रीम रखना है 90 FPS। अगर आपके पास, मैंने वही बोला कि अगर आपके पास एक 60Hz की ऊपर वाला डिस्प्ले तब भी आप 90 FPS ट्राई करना, वरना 90 आपके किसी काम की नहीं है गाइस, लैग देखने को मिलेगा फिजूल में गाइस, ठीक है। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि भाई रूम में स्मूथ चलता है गाइस, लेकिन वो 1v1 है। जब इरांगेल की बात आती है फिर कोई अलग मैप बात आती है गाइज, उधर पे आप अकेले नहीं खेलते हो गाइज, और भी एनिमी आपके साथ खेलता है, तो उसको भी रेंडरिंग होने में आपका CPU की जान निकल जाएगी गाइज अगर 90 FPS पे खेलोगे तो। आप यकीन नहीं करोगे मेरे बाद, आप एक बार ट्राई करके देखो गाइज, ठीक है। उसको रखना है कलरफुल एड्रेसिंग दोस्तों क्लोज रखना है, और ऑटो ग्राफिक्स दोस्तों डिसेबल, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना। कॉम्बैक भी दोस्तों सेम स्मूथ रखना है, एक्सट्रीम रखना है, कलरफुल रखना है, एड्रेसिंग क्लोज रखना है, ऑटो ग्राफिक्स डिसेबल, ठीक है। तो गाइज मैं क्या बोल रहा था कि आपने बहुत सारे बंदे को देखा भाई उनका लैग नहीं होता, ठीक है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, हमारे कंट्री में गाइस क्या है पबजी मोबाइल बैन है, तो पिंग का भी एक इशू आता है, सर्वर का भी एक इशू आता है गाइस। अगर आप अदर कंट्री में देखोगे तो जैसे मान लो पाकिस्तान श्रीलंका, ठीक है, इन कंट्री में पबजी बैन नहीं है, तो उनका पिंग भी अच्छा आता है गाइस, और उनका सर्वर भी अपना सर्वर है। जैसे हम खेलेंगे तो अपने इंडोनेशिया सर्वर में चला जाएगा, वियतनामी सर्वर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी एक मसला है गाइस। तो मैं कुल मिला के यही बताना चाहूँगा, मेरा देख सकते हो बैकग्राउंड में OBS चलेगा, देखो गाइस डिस्कॉर्ड भी चल रहा है। आपको एक नहीं होता तो मैं दिखा देता हूँ, एक देखो एक सेकंड, मेरा डिस्कॉर्ड भी चलता है, देखो गाइस मेरा डिस्कॉर्ड भी चलता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो और एक चीज़ गाइस मैं आपको टास्क मैनेजर ऑन करके दिखाऊंगा कि कितना GPU लेता है कितना CPU लेता है गाइस, ठीक है। अभी गाइस देखो गेम लूप देखो, ठीक है, ये देखो गाइस गेम लूप OBS मेरा GPU पे चल रहा है, लेकिन गेम लूप देखो गाइस इस पे चल रहा है, CPU पे चल रहा है। CPU देखो 80% है, GPU 25%, ठीक है। तो गाइस थोड़ा संभाल, मतलब समाज के थोड़ा सेटिंग्स अपनी ऊपर है, ठीक है। अगर है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। और FPS भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको हेल्प होगा, अगर हेल्प हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते किसी और दिन और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।